एक सुबह शहर के सबसे बड़े म्यूजियम में चोरी हो जाती है और उस केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव को वहाँ पे कोई भी सुराग नहीं मिलता। चोर ने वहाँ पे एकदम से सफाई से चोरी कर दी होती है। डिटेक्टिव फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए जाता है, तो वो वहाँ पे जाके देखता है तो उसे वहाँ पे सुबह से सिर्फ 4 लोग ही आते और जाते हुए दिखते हैं। और वो जब वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ पे वो सैंडल्स नहीं थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन चारों में से कोई एक चोर हो सकता है। और कुछ ही देर में डिटेक्टिव समझ जाता है कि चोरी इन चारों में से किसने की है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन चारों में से चोर कौन है? आंसर देखने से पहले आप आपका आंसर हमें कमेंट करके बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर ढूंढ पाए थे? अगर आपको अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। अगर आप इन दोनों फोटोज को ध्यान से देखोगे, अगर आप पहले वाले फोटो को देखोगे तो ये 4 लोग अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इस ब्लाइंड वाली लड़के की हाइट इस वाली लड़की से बहुत छोटी है, लेकिन म्यूजियम से बाहर निकलते वक्त इस ब्लाइंड वाले के लड़के की हाइट अगले वाले लड़की से बहुत बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये है कि इस वाले लड़के ने वो सैंडल अपने पैरों में पहन लिए होंगे। इसका मतलब चोरी इसी लड़के ने की है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? क्या आप इस अंधे लड़के को पकड़ पाए थे? अगर आपका भी यही आंसर था तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। ये तो बहुत ही आसान है। ये रहे आपके सामने ये दो इमेज, तो आपको इसे देखकर बताना है कि कौन से ऐप का नाम बन रहा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपको इसका आंसर मिला? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इमेज में है टी और दूसरा है विच। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा ट्विच। ये एक्चुअली में जो ऐप है ये गेमर और स्ट्रीमर के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है, लेकिन ये इंडिया में बहुत ही पॉपुलर नहीं है। इस इमेज को ध्यान से देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब इस वाले इमेज को ध्यान से देखिए। और अब ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। अब ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। तो और अब ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से 5 डिफरेंस कौन से हैं। आप अपना जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, और तीसरा डिफरेंस है ये, चौथा डिफरेंस है ये, और पांचवा डिफरेंस है ये। तो दोस्तों, क्या आपने इन सारी डिफरेंस को ढूंढ लिया था? तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस इमेज में से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब कि बाकियों से अलग है। और जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने ढूंढ लिया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो आपको इमेजेस देख के ऐप का नाम गेस करना है। तो आपके सामने ये 3 इमेजेस है, तो आपको इसे देखकर बताना है कि इससे कौन से ऐप का नाम बन रहा है। तो इसे ध्यान से देखिए और आपका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले है W, और बीच में है हेड्स, और तीसरा है अब, तो इसे मिलाकर बन रहा है व्हाट्सएप। तो दोस्तों, क्या आपने सही बताया था? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।